हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे, ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने के वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हैं हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक, लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।